नानक नानक दुनिया कर रही उन्होंने कहा था कि भगवान आपको तब तक वो नई चीज देता जो आप चाहते हो जब तक आप उसके लायक नहीं होते अल्लाह मैं दादी सी फैमिली शोहरत ली लोका ली ऑडियंस ली जब ती सारे नहीं मैसेज है खुद गाओ। नहीं गाओ इस परमात्मा नहीं गाओ आई वॉन्ट टू बी अगर Everybody start laughing and uh, खतर सोने सज डरन डाउन कदे नखनियावा कर दे परल निम सो वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हुआ फिजिकल बट आई सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल पता है बस करने में जो फर्क है जिस दिन ये गैप खत्म हो गया ना right. कि मेरे को 22 साल लगे यहाँ सोच पहुंचने में तो सक्त दो महीने आधी आर्यिके करनी रोज़ रोज़ नमः देते आरिनी के करनी बोल दे झकम दी नुमाइश ना करों दी मलम नपो ठीक है ना ओ जरी मलम है ना दे ना के तेरे जाने दिलोड़ने ना पट्टियां लटकन दे ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦੇ ਯੁਗਾ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਆਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤਪ ਦੀ ਰੇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਠਰਦੇ ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਲੋ ਮਥੇ ਚ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਵੀਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ तवी के तख्त बह के सच्चे पादशाह बनते पंजाब के हरमन प्यारे पोएट और एक महान शख्सियत जनाब सुरजीत पात्र साहब हु हैज लैफ्ट अस फॉर इज हैवनली अबोर्ड बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पंजाबी लिटरेचर इज गोइंग टू लिव बियॉन्ड हिज अटर्नल एग्जिस्टेंस He is going to guide us for the times to come and has left a legacy for the generations, the young boys and girls out there. And today, I am going to take you to the land of five rivers, the land of love, the land of music. Ladies and gentlemen, you guessed it completely right. I'm taking you to Punjab for Aj Metu the Ruparu Jarya. पंजाब दे एक उभरते सिंगर आई एम ग्रेटफुल्स टू इंट्रोड्यूस टू यू दे गैसट अवनीत कौर मैम वेलकम टू पॉडकास्ट मैम एब्सोल्यूट ऑनर मैम अपने बिजी शेड्यूल टाइम कट के साथ पॉडकास्ट आए वी आर वेरी ग्रेटफुलर जोरचुनिटी दी so i'm very thankful to you thank you so much mere pyari audience te pardon ma'am pleasure completely saada hi hai ki sanu tode rubru honda hai mauka milya shukr e banata bas pakistani saying very mulya ki city is the aras tarang taino smalta naam nahi chinde karke ae sanu ae mauka munda so uh, i agree with you te mainu lagda hai ki jo mera sala jehda sab to pehla track sega putt vishnu karde us ma'am oh khende na oh ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ दैट ਬਿਊਟੀਫੁਲ Song ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ दुनिया कर रही हु नानक दे पर मन दा, कोई नहीं हो नानक न कोई नहीं बहुत बढ़िया मैम बहुत बहुत बढ़िया मतलब जो श्रोता सुन रहे होंगे आ, मुझे जरूर महसूस हो रहा है कि उन उन्होंने भी आपके जो स्वरों की गहराई को अपने अंदर महसूस किया होगा और जहाँ तक बाबा नानक की बात की जाए तो जो सबके हैं उन्होंने पूरे स, पूरे हमारे विश्व के लिए एक ऐसा संदेश देके गए हैं भाईचारे का और जो किरत कर वर्ण के छक दो ब्यूटिफुल थिंग्स द मैसेज जो उन्होंने दिया पूरे मानवता को मुझे लगता है हमें उसको आगे लेके चलना चाहिए और एक संदेश से आज के समाज में जहाँ हम देख रहे हैं पैलेस्टाइन में इतने मासूम बच्चों की जान गई है और देश में और देश विदेश में बहुत सारी जंगें भी हो रही हैं बहुत सारे लोगों को अपनी मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है तो इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम किस तरह से एक भाईचारे का प्रेम का सौहार्द का जो माहौल है उसको बना के रखें तो मैम एक बात जो हम अक्सर सोचते हैं सक्सेस और फेलियर में आप क्या समझते हैं कि ए, क्या इंसान बदल जाते हैं या इंसान का वक्त बदलता है वट आई फील कि uh, इंसान बदलते या वक्त वक्त ही जब आपका आता है वक्त बदलता है तभी हम उस जगह पे पहुंचते हैं मेन थिंग आपकी जो आई हैव कैश वे इंसान के हाथ में पहने तो कुछ भी नहीं दिस इज अ वेरी बिग फैक्ट ऑफ लाइफ जो हम सोचते हैं कि मेरे हाथ में सब कुछ है मैं ये कर लूँगा एब्सोल्युटली रॉन्ग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो यही है कि जब वक्त आता है तभी होना होता है जो होना होता है तो बस वही गुरु नानक देव जी की जो तीन बातें हैं किर्त कर नाम जब वंश थैंक यू दिस की अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं किर्त कर रहे हैं इट्स अ वेरी ऑबियस थिंग अगर गुरु नानक देव जी ने तीन चीजें बोली अगर हम उस पर चल रहे हैं तो भगवान भी देख रहे हैं मेरी बात पे चल रहा है तो वो उसका समय लाएगा लाए ही लाए। और ये भी देख रहा है कि जो मैंने काय कर रहा है अगर उसके कोई कर्म भी होंगे पिछले या एक कोई काट रहा है या होता है कि भगवान जी हमारी सुनते नहीं है क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर जब हम उसके कर, हम अपनी किरत नहीं छोड़ते हैं सच्ची किरत रखते हैं उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हमा, हमारी ए, 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 हम हमारी जीत एट द एंड हम जीत के ही जाएंगे वो आपकी पीठ नहीं लगने देगा जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी ना तो हमें उससे गिने भी खत्म हो जाए वेरी बिग थिंग बिल्कुल आपकी बात सही है बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करते हैं अपने हर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ अपने लक्ष्य बनाए होते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर कोई सिंगर कोई आई ऑफिसर कोई आर्मी ऑफिसर पर सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग मेहनत नहीं करते हैं कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको कई बार हताशा हो जाती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो भगवान से भी शिकायतें हो जाती हैं कि अब तो मैं तुझे करके दिखाऊंगा या ऐसा हो जाएगा वो अंदर एक

मैं मेहनत कर रहा हूँ या कुछ है थोड़ा बहुत फील होता है लेकिन uh, अगर आप ये कहें कि मैंने इन चीज़ों को फेस नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों मैं तो पार्ट भी कर रही हूँ मैं आपका नाम भी ले रही हूँ तो कभी वो गुस्सा गुस्सा आता तो था सब आता है सबको आता होगा ठीक है बट मुझे ना इसका आंसर किसी ने बताया था दैट इज वेरी क्लोज टू मी जिसके कारण आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ दैट दैट और उन्होंने कहा था कि भगवान आपको तो तब तक वो नई चीज देता जो आप चाहते हो जब तक आप उसके लायक नहीं हो वो तो बैठा है देने के चाहिए वेन आई वॉज नॉट ऑन दिस ट्रैक इवन आज आप मेरा वो पे देखेंगे तो आपको सुनने में मिलेंगे मैं काफी रोमांटिक वो जो है नांगीवुडो very... हाँ वो भी नहीं। songs, जब मैं इधर हुई हूँ तो मुझे कुछ समझ आना जब उसने परमात्मा ने कुछ सोच में डाला हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आएंगे जैसे आपने बचपन बात की कि आप सातवीं सात साल की उम्र से आप गा रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपके ना बचपन के बारे में कुछ जैसे आपके माता पिता आप क्योंकि जो श्रोता हैं पंजाब के बाहर के हैं जो साउथ इंडिया के बाहर से भी जो सुन रहे हैं तो आप उनको ब्रीफली अगर बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी पेरेंट्स का बैकग्राउंड या कहाँ से आप मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई आपके बचपन में आप किस तरह के स्टूडेंट थे तो वो सब अगर आप हमें बताना चाहिए sure. uh, है, है, विल्कुल 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 विल्कुल. I was not too good. I was okay, average student. Good, decent student. but my background is, music. my uh, grandmother, she was also belong to the same field. Okay. my father, my mentor, Okay. he no Sing, singing, singing, Okay. Oh, singer वो सिंगर नहीं है बट uh, नि, yes, ही लव टू सिंग लव टू सिंग इट नित्ती हो यस ट्रेनिंग ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग लिख रही है तो ऐसे कह सकते हैं कि वो आपके गुरु थे ओ मेरे गुरु ने आज भी ने ते ओदो भी ओदो भी उन्होंने ही कराया ते एस नाल मेनू लगान वाले एस म्यूजिक दे नाल ना लगान दे ही मेनू इस वक्त तोरन नहीं ओना दा ही सब तो बड़ा हाथ है Moreover, uh, mother, she is not good at singing, but she always supports me, stand with me. ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦ ਦੇ ਵਾ ਡੂਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਡੇਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਡੇਸ ਬੇਰੀ ਪ੍ਰੇਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 뮤직 ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 뮤직 ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਧਾਨੀਆਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਮ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਐਸਾ ਸਰ ਉਹ असीमा असी माहे या गी दसी माही या गाव नहीं, नहीं जदो जिथे जी कर दे हो जदो करदोंथे जी कर दे पंजाब वसावा रही दे हो जदो जिथे जी कर दे ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਵਸਾਂ ਰਹੇ ਵੇ ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਰਹੇ ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗ ਦੇਆ ਰਬ ਇਸ ਤਾਰਾ ਖਿਦਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਆ रब इज़ता रख दाए मैम बहुत बहुत उम्दा बहुत उम्दा तो आप वही बता रहे थे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता था हम एक अलग ही जोन में ट्रांसपोर्ट हो गए थे मतलब मुझे तो लग रहा है हम सब की सिंगिंग को ही सुने राधे बातों बातों से ज्यादा मुझे लग रहा है आई टू दैट जोन कि हाँ मैं उस टाइम वो कर रही थी मम्मा पापा बोल रहे थे कि करती भैया क्यों है मुझे मुझे लगता है कि जनरली क्या होता है कि सिंगिंग uh, तो काफी लोग करते हैं पर आपकी जो सिंगिंग के अंदर एक गहराई है एक वो वॉइस एंड डेफिनेटली जो, जो लोग आपको सुन भी रहे हैं वो उस uh, महसूस कर सकते हैं उस चीज के आपके आवाज के पीछे छुपे उस गहराई को बट लेट मी यू वन थिंग बिग थ्राई लाइफ અ કે મેરી અવાજ اس તરીકે ਨਾਲ પહેલા નહીં ઓકે નાઉ ઇટ્સ લાઈક ધેટ ઓકે પહેલા મે ડાધી સી ફેમી શહરતલી લોકાલી ઓડિયન્સલી જદો તુસી એ સાર્યાની મેસેજ હે ખુદ લી ગાઓ ઉસ પરમાત્માલી ગાઓ તે ખુદ લી ગાઓ જદો તુસે ખુદ લી ગાઓગે ના તો આડી અવાજ અપને આપ ઠીક ઓર ઇટ સબને ટચ કરેગી ક્યોકી ઓ ફેર અવાજ સબ દી યુઝ હે Mm -hmm. जो तुम उस परमात्मा लिए गाते हो फिर सब नवा mm -hmm. पर जो तुम एक टारगेट लेके चलते हो ना कि एक बिजनेस है एंड आई वॉन्ट दैट अदर शुड लिसन टू मी मी आ गया जिथे मैं आ रही उ बस वो जो मैम हम बात कर रहे थे आपके बचपन के बारे में जैसे आपने बताया कि आप सातवीं कक्षा से ही आप आ, सिंगिंग में थे तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं जरा व्हेन आई वाज सेवन

तो अच्छा रेस मार्क्स हो गए तो रेस मार्क्स लगा लो या ये कह दो कि इसको कुछ कहना नहीं, नहीं। है नहीं हुई है अगर क्लास से तो इट्स ओके तो दे ऑलवेज सपोर्ट मी कि हाँ इसका काम अगर रहता है तो अलाउ द स्टूडेंट्स टू हेल्प मी सो मोर ओवर बाकी मुझे इसमें यही था कि मैंने जब ये स्कूलिंग की तो तब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ मेरे जो टीचर्स थे

अब बाकी जो मुझे सपोर्ट करते थे फिर वो कहते हैं ना अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो आपको कर, आपको अचीवमेंट मिल ही जाते कहीं ना कहीं आप फिट वो तो ही जाते हो तो आप बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे राइट आई आई हैव अ गोल टू बी अ सिंगर और मुझे याद है टेंथ में जब सारे सब बोल रहे थे आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और जब मैंने हाथ खड़े किए

बट फिर मेरे माइंड में आया अगर बनी इसी के लिए इसी और फिर उसमें मैंने जाके उनकी जो सारा जो प्रोफाइल देखा जैसे तो कई बार होता है ना रिश्तेदार वगैरह वो टॉन्ट बाजी करते हैं ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा <laughs> कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ जो आप अगर शेयर करना चाहेंगे अब मैं आपको क्या बताऊ मेरे जो फादर और मेरे पेरेंट्स का जो सन का सारा ही तब उस पे जो की थी जो गेट टूगेदर होती थी वहां पे एवरीबॉडी वाज लाइक कोई कॉमर्स कर रहा है कोई इंजीनियरिंग कर रहा है कोई कुछ कर रहा है आई वाज द ओनली हु वाज डूइंग आर्ट्स होम साइंस मेरे कहने से पहले कहते थे होम साइंस ही लोगी या <laughs> साइंस तो बट माय फादर ऑलवेज सपोर्ट मी ही सेड कि नहीं शी वांट टू वांटेड टू वी सिंगदा तो इसमें क्या है राइट right. मतलब उन उन्होंने कभी ये नहीं कहा एम्बेरेस नहीं फील किया कि अगर बाकी ग्रुप के मेंबर्स कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई कुछ तो मैं अपनी बेटी को भी वो भी, भी हमारे रेपुटेशन पे आ रहा है जी जी. तो कई बार ऐसा भी हुआ भी पीपल ऑलवेज से मतलब सम टाइम जो रिलेटिव से एंटरफेयर किए हम सिंगिंग करती फिर बाद में कैश फेक मतलब ओस्टाइन पे ना

तो हम दोनों ने साथ साथ ही थे हम मेरा का था ठीक है तो मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती थी जी जी. But in ropes में hmm. शबद हो गया वो बट आई एंजॉय पर uh, ये था कि मुझे जो फोक सॉन्ग जिसके लिए मैं बनी मुझे लगता था माई टारगेट

अगर आप आया सोने सजन आद कदे रखनिया कद पढ़िया ना लिखिया ਤਰੇ ਕਾ ਔੜ ਦਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤਰੇ ਕਾ ਔੜ ਦਿਆ 니 ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਕੋਠੇ ਚੜਨੀਆ ਖਤ ਆਇਆ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣਾ ਕਦੇ ਰੱਖਨੀਆ तो मैंने जो उनके गाने गाने शुरू किए फिर एक मदानिया का मुझे एक मौका जो मिला दिन पहले मैंने स्कूल में गाया फिर मैंने यहाँ गाया दे प्लॉस बाई दानक यूनिवर्सिटी इन अमृतसर जी एन डी सो वहाँ पे और एक बार मैंने एक जगह और गाया था आई ना जोनल होता था तो वो एक मेला टाइप था सब टाइप था जहाँ पेपर पे एक 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 जिसमें दो लड़कियां होती है वो गा रही होती है और वो बिना फेस दिखाए उनके काफी देर तक पंजाबी मूवी थी उसमें उनके गाने आते होते हैं बहुत बहुत मशहूर हो जाती है वो बाजरे बाज रेदा सिक्ता है है कुछ ऐसी वैसा ही वही चीज थी मुझे याद आ गया तो वही वाली चीज बस ये चीजें ना हमें बहुत मुझे लगता है कि ये जो ये चीजें ना बहुत फिर सिखा जाती है कहते हैं ना आ, सिल्वर स्पून वाले सिस्टम में तो यू का यू डो तो एवर टू लर्न दैट थिंग्स जो हमें बिहाइंड द सीन चीजें जो होते हैं ने 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 देखने को फिर जब मैं कॉलेज में हम कह रहे थे कि कॉलेज के टाइम जब मेरे मैंने उसको फिर कंपटीशन में गई सो एवरीबडी रियली अप्रिशिएट दैट आफ्टर दैट आई वॉन्ट मैरिड मेरे सारे गोल्स इधर उधर फिर मुझे इंडियन आइडल जाने का oh, nice. तो आई आई

I, whenever I give some interview, everybody try to ask this. It's a very big tragedy. Okay, actually, it's a very tragic thing that happened. If you are comfortable, then share. In brief, I will tell you. So, happened okay. husband. He, he faced some uh, he faced some uh, health issues. some physical health issues. over he physical बस कुछ ऐसा एक्टर नया आई डोंट वांट टू रिकॉल दोस रियल बट आई सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल एंड आई कम टू नो दैट एवरीथिंग इज गॉड तो जन जाके खुद ही खड़े होना है तो so, ब्रीफ में यही कहूँगी कि हेल्थ इशू इतना बड़ा आ गया था वी वर ऑन द ऑन द स्टेक ऑफ लाइफ की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इवन डॉक्टर्स वर नॉट श्योर अबाउट बट उन दिनों में मैंने जो अपने रिलेटिव के फेसेस देखे और सब कुछ देखा तो वॉज वेरी शॉकिंग फिर मुझे हुआ कि अपने आप पे खड़े होना और तब हमने एक्चुअली ये हुआ था कि आ, हमने कहा कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो जब चीजें खराब होनी होती है ना तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स भी हे हे। वो हो जाती है हे हे। उससे पता चला कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है जाती है पैसा भी पैसा होना जरूरी है पर पैसा इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ नॉट एवरीथिंग इट्स नॉट एवरीथिंग पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं एब्सोल्युटली फिर पता चला फिर होश सच में आई फिर लगा कि ये फेम ये सब कुछ एक टाइम पे आप ही सब कुछ एकदम रुक गया जब ऐसा कुछ हुआ कि ना जब अपनों पे बढ़ती है देन वो कम टू नो कि रियली जहाँ पे एंडिंग होती है ना वहीं से स्टार्टिंग होती है मेरा जो एक्सपीरियंस बिल्कुल तो वहां से फिर वो बात है ना जिन्हें स्वर्ग जाना मरना भी उन्हें पहना है The thing is, you have to go through that. Jira. वो चीज़ ना. You have to. सब कहते हैं लेकिन मेरे लिए वो बहुत. You have to. You have to. Sometimes क्या होता है कि God pushes you to limits. Uh, कहते हैं ना सूरज की किरण जब सुबह की आती है उससे पहले रात सबसे काली होती है. Exact. So. वो बहुत काली रात से की. जो परमात्मा ने उस तो बाद इन्ना चारण कर दिता इन्ना चारण कर दिता कि समझ ही नहीं आई मैं मैं ही नहीं रही बस अब उस दौर तक मैं वो नहीं बस मैं तो नहीं कह सकती आज कल दो साल पहला मैं जो सी वो मैं आज नहीं हाँ <laughs> जब तो सी <laughs> मैं नो दो मिले हम थे तो मैं था ना क्या ना हर एक चीज जो साड़ी लाइफ चुप आप रही है डेट सर्टेन पर्पस ओल्डेस ये सब वेरी ब्यूटीफुल लेसन अ वेरी बिग टावर ऑफ़ योर लाइफ एंड सब तो ज़्यादा जो सट्टा खाने वाला इंसान ही हीराबाद च बन है एक्चुअली एंड सूरज जैसा बनने के लिए हमें पहले सूरज जितना आई थिंक कहीं ना कहीं जलना भी पड़ता है आई थिंक योर लाइफ इज टेस्टमेंट टू दैट कि आपने उस उस सिचुएशन से कैसे निकल, निकल के आपने अपनी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया और आई थिंक जैसे हम कई बार सोचते हैं कि लाइफ में जो हमारी हो रहा है कि uh, हम भगवान से मांगते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए वे मिलना चाहिए आई थिंक जब हम सरेंडर कर देते हैं सरेंडर इस... तभी तभी सब कुछ होने लगता है अपने आप और दिस इज अ वेरी बिग थिंग ऑफ लाइफ कि uh, इस पे ना मैंने कविता भी छोटी सी लिखी थी तो मैंने स्पीच दी थी वो वक्त से लगता है वक्त से पहले uh, वक्त ही और वो तेरे चंगिया का माते दाता खुश हुंदाए पावे

अच्छा मैम एक चीज मैं ऐसे जैसे आपने उस से आप निकले भी हूँ मैं ऐसे जनरली पूछना चाहता हूँ जो भी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं बाहर हैं जो लोग अपनी लाइफ में कुछ संघर्ष कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि लाइफ में खुशी रहनी चाहिए पर खुशी तो आनी जानी है ना तो दुखी तो लाइफ का रूल है और उसको कैसे हम एक परिपक्व हो जाते हैं उस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तभी तो लाइफ में हम कुछ बन पाते हैं अगर हम हमेशा मतलब उस तकलीफ से भागते रहेंगे लाइफ में में? तो 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 हम पॉलिश कैसे होंगे? तो मुझे मुझे लगता लगता है 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 कि 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 शायद आपका क्या मानना है इस चीज ये लगता है कि, आ, हमें पहली बात तो से भागना जितना भागोगे ही अपने पीछे आए। पीछे ये, ना उसने हमें बोला तो वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा है ना मुझे गलत बोल रहा। जब सामने वाले को पता चल जाता है, इसकी है तो वो उस और ठीक है सो डोंट रन अवे फ्रॉम दस दीज थिंग्स जो बोल रही हूँ मैं डोंट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स अभी मैंने ये चीज सीखी है मैंने भी बहुत रन किया है मैं इस मुसीबत से भाग अगर यहाँ पे मेरा कोई बनता नहीं भागो भागो बट नहीं ये जिंदगी की सच्चाई नहीं है अगर वो अगर वो काल पूरा ना देना जो तुझसे सोच लो ना तो ही करण वाला मैं तो कर नहीं रहा तुम कर रहे हो ठीक है तो मैं इतने खड़ा

आप परमेश्वर मेरे नाल है परमेश्वर मेरे साथ हम यहाँ पे ही तो अगर हम ये समझ लेना कि वो हमारे साथ है तो हमें हमारी लाइफ शायद इतनी ब्यूटीफुल है हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं जब कह रहे हैं साथ है है इस गुरबानी लेकिन ये चीज ये चीज हम गुरबानी भी पढ़ते हैं लोग पाठ करते हैं या कोई डिफरेंट धर्म के लोग अपने अपने जो गीता का पाठ करेंगे या कुरान को पढ़ेंगे या बाइबल को पढ़ेंगे तो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको कितना उतार पाते हैं क्योंकि हम स्कूल में भी हम चीज़ें बहुत सारी पढ़ते हैं बचपन से हम बहुत कुछ पढ़ते आए हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको कितना उतार पाते हैं आई थिंक जीवन उसी से हमारा तब्दील भी होता है कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम बहुत कुछ हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा पर कहीं ना कहीं वो इकट्ठा तो हो रहा है कहीं पर ना कट्था वो इकट्ठा हो रहा है वो ऐसा नहीं कि मेज जाया नहीं जा रही हमें है? हमें दिख रहा है कि नहीं यार हमें कुछ मिल नहीं रहा है इस वक्त लेकिन इफ देर इज सर्टन पावर तो वो पावर उस चीज को आपका एकत्रित कर रही है और जब आपका टेस्ट वेस्ट हो जाएगा जब टेस्ट दे के आप पास हो जाओगे फिर आपको शायद वो आपने बैम्बू का ट्री की कहानी सुनी होगी ना कि चार साल तक उसका कुछ निकलता ही नहीं है और छह महीने में सौ फुट लंबा हो जाता है तो आई थिंक आपको वो आपकी जड़े लंबी होनी के लिए की वो नीचे जो है ना नीचे वो जितना ऊपर जाना है उतना नीचे जाना उतना नीचे भी जाना आए, वो हमें दिखता नहीं दिखता नहीं और जब हम कहते हैं ना दिख दिख नहीं नहीं रहा रहा नीचे तो उसकी इसका ने 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 मतलब ने कुछ हो रहा है बड़ा आप जब लाइफ में मुझे मुझे लगता है की जब लाइफ में कुछ नहीं ना हो रहा आप मेहनत बड़ी कुछ बड़ा मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लेकिन कुछ दिख रहा है की नहीं हो रहा तकलीफ है मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा समथिंग बिग इज ऑन द एंड वेरी सुन कुछ बहुत दिस वेरी बिग ऑफ़ लाइफ की जब ये चीज़ दिखती नहीं है ना इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने माला है। और बस इसी पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं जिन इलाकों में, में वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें ना बहुत गहरी गहरी होती हैं बिकॉज उनको वो गहरा होना पड़ता है मजबूत होना पड़ता है तो उठ के चले जाएंगे वो और जहाँ पे ज्यादा तूफान नहीं आते तो वहां पे वैसा जरूरत ही नहीं है तो आई थिंक जो आते हैं हमारी लाइफ में वो हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं और शायद हमारी उड़ान बहुत ऊपर तक होती है तो ऊपर तक ले जाने का वो एक वो एक देखिए आपने अगर कुछ पाना है अगर आपको कमल का फूल चाहिए तो कंडे तो आएंगे <laughs> और हमें वक्त से पहले तो कुछ मिलता नहीं है वक्त तो पहला कुछ नहीं का डर कवा चिंता वक्त तो पैरा कुछ नहीं मिलना का डरते ते कवा दिंता वेख का तो बिन वेख तरक का तो साड़न ऐसे दोष तो बच लै सजना कसमी उसकी बातें बस करनी मानने में जो फर्क है जिस दिन ये गैप खत्म हो गया ना और दूसरों की तरक्की से जलने से बजाय आप ग्र... और आपकी जिंदगी में कुछ खुशहाली आ जाएगी तो मैम म्यूजिक हम कि म्यूजिक हमारे सोल को हीन करता है गुरबानी में भी है ये सब चीजें शब्द कीर्तन होता है तो आप क्या समझते हैं कि म्यूजिक क्या है व्हाट इज म्यूजिक म्यूजिक देखो म्यूजिक मुझे तो ये लगता है जब हम पैदा होते हैं जी भी है उनका भी उन, वो भी क्या कहते हैं जिनका मैंने सुना था कि जब हम पैदा होते हैं ये धड़कन भी म्यूजिक है और म्यूजिक से म्यूजिक ही हमारी लाइफ को देखो हमें कोई सैड मोमेंट है हैप्पी मोमेंट है खुशी में रोल वगैरह बचता है गम में भी हम शब्द बोलते हैं या कुछ ऐसा होता है जिसका कनेक्शन म्यूजिक से होता है ये इतना हमारे साथ कनेक्टेड है स्पिरिचुअल ने भी कर देता है मतलब म्यूजिक इज आई थिंक एवरीथिंग एवरीथिंग इज म्यूजिक फॉर मी एवरीथिंग इज म्यूजिक बट हम किसी से भी पूछे जो नई भी सिंगिंग कर सकते वो भी किसी ना किसी जगह म्यूजिक के साथ कनेक्टेड अपने आप को फील करता ही एकदम एकदम कोयल कोयल की आवाज भी तो म्यूजिक है झरने में पानी का बहना भी तो म्यूजिक है पत्तों का वो जो हवा से हिलना भी तो म्यूजिक है अब कहते हैं ना वो 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 बारिश की जो वो वो भी वो भी भी तो 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 क्या है वो भी म्यूजिक है म्यूजिक आई थिंक पूरी सृष्टि में ही म्यूजिक है आई थिंक जरूरत शायद हमें ठहराव की है हम आज की दुनिया में भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं आई थिंक रुकना जरूरी है रुक रुकेंगे अपने अंदर के साथ कनेक्ट करेंगे शायद तभी अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को आप जागृत कर पाएंगे और सबसे बड़ी चीज कल कल आना कल पे भी मेरी है। मैंने जो नया ना वो आ, मेरी आई थिंक कल परसों मैंने वो, वो कविता एक आई थी में वो भी बड़ी मुझे अच्छी मतलब बहुत उसका भी यही मेरी था कि जिंदगी तो नहीं हो था। एता के मी सोनी राज्य के हंटाई था ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਮਤਵਾਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਕੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਆਪ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਇਸੇ ਚ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਸ਼ੋਤਾਵਾਂ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ कल क्या होगा या परसों क्या होगा वो मत कल आ जाता है फिर कल को मतलब जिंदगी को अब जीना पोस्टपोन मत करें आप आज में जिए आज के प्रॉब्लम्स को आज ही डील करें कल क्या पता वो प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहे वो आए ना और जब कल आ जाता है फिर अगले कल के लिए इतना परेशान सोच में तो इस पल में जीना इस पल में जीना शुरू करें क्योंकि जिंदगी शायद दो पल की ही है तो वो उस दो पल की जिंदगी को दुख सुख होंगे छावर के कह गए सियारी दोष न दे किसे नो कर्म अपना फिर दुख सुख हुंदे चले चलरि के कह गए सयाने कह दे सयाने दोष न दे किसे नो कर्म अपगया दे अब पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें हम काफी देखते हैं कि एक गन कल्चर को भी ड्रग्स को भी शराब को कई बार प्रमोट मतलब सिंगर्स ही करते हैं दारू पे काफ़ी गाने हैं बंदूकों पे काफ़ी गाने हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आपके पास ये माध्यम है जो सिंगिंग का आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले कॉलेज में करने वाले उनका अभी मस्तिष्क उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है तो वो आपको अपना हीरो समझ लेते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं

उस से, उस इसलिए मुझे लगता है ऑडियंस पे भी जो श्रोता है उनको भी इस चीज को सपोर्ट uh, करना पड़ेगा गुड म्यूजिक हो सही इवन आई थिंक सो कि इस इसीलिए अगर uh, मुझे पहले अपॉर्चुनिटी यही मिले मुझे जस्ट फ्यू फ्यू मंथ्स बिफोर समवन हैज कॉल्ड अप एंड ही टॉक टू माय हस्बैंड ही सेड कि हमने ना एक सॉन्ग है असले पे तो उसकी ना वर्डिंग मैं भेज रहा हूँ पर ना वो ऐसे है कि उसकी वर्डिंग भी बड़ी फनी सी थी कि मैं जब कोल जब तो कोल होता वो तो असला नाल रखे कर बिन लग रहा है ऐसे समथिंग लाइक हां समथिंग लाइक दैट तो तो आ, हमने वो हमने रिफ्यूज कर दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर दैट बिल्कुल तो ऐसे ना कई सॉन्ग कई बार आ जाते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर नॉट टू अटेम्प्ट दैट

इन्होंने हमें फिर भी एक छोटी सी वो एंट्री दिला दी कि अगर हमें पसंद कर सकते हैं हिम्मत मत हारो अच्छे गाने गाओ और ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर जो प्रेफरेंस लोगों की होती है इन सॉन्ग्स में तो आ, इस पे यही है कि कोशिश करो छोड़ो मत ट्राई तो करो पहले ही हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उन सॉन्ग्स की तो वो उनका कल्चर ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा और बच्चों को तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि पंजाब ऐसी और के बिना भी भी और, और भी कुछ है क्योंकि जो पंजाब है पंजाब के बाहर का जो यूथ है वो पंजाब को ड्रग्स और दारू से ही रिलेट करता है और जो कभी कभार जैसे मैं तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो जनरली स्टीरियो कर दी जाती है ए, सिख लोगों की कि दारू पीते हैं या ये सब तो मुझे लगता है उस चीज को ब्रेक करने की कहीं ना कहीं आई थिंक की अब अब तो तो जी ने तो की हुई तो वो वो तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेवल और उन्होंने इस चीज को बहुत बाखूबी तरीके से इस चीज को कंटेम किया है कि आप जो पंजाबी इसको समझ रहे हो कि लाइफ स्टाइल इनको पहनना नहीं आता इनको बोलना ही फनी उनका उनका तो सारे उनकी एक ना कि पंजाबी फिल्म आज नहीं आ सकता मैं तो करके दिखाऊंगी पंजाबी फिल्मा जा सकता है हीरो नहीं आ सकता मैं करके बखाऊ मैं करके भी खाऊंगा वो चीज है ना पंजाबी बॉलीवुड से जा सकता मैं कर हूँ। तो करके बखाऊ वो चीज तो प्रमोट हो गई कैन यू बिलीव इट आई आई रियली लिसन to the Jeet Singh Ji songs, but the whom Jo Western Kanre ne. He is next level. Oh na, diya Jo Galla hai. Oh, vaki India ko next level, next level bhi ok hai sakte hai na? I think connection upper jud gaya unka. Connection ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨੀਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਕੋਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੈਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਨੀਜਨ ਇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ धर्म के ऊपर उठ के हमें मानवता को एक समझ के कहते हैं मानस की जात एक को पहचान वो वही मतलब तो एक सबको एक पहचान के आप चलो जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान बिल्कुल अपना मूल पहचानो सो so, उसमें ये वो उनकी ये चीज बड़ी चल रही है कि आ, एक हो जाओ इसी ट्रैक को लेके अब मे, मेरे भी जो नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है इवन आई एम वर्किंग फॉर दैट एंड आई एम सिंगिंग ऑन दिस जी ओनली जो

कि मेरे को 22 साल लगे यहाँ पहुँच पहुँचने में तो सक्सेस दिखती है लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है जो काली रातें होती हैं वो हाँ तो दिखते नहीं हो गए भी जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करते जाते हूँ वहाँ पे ये जो वक्त तो पहला कुछ नहीं होता या हुक्म ओदेन देने से भी मेरा मतलब काफी अच्छा वो लोगों को पसंद आया नहीं। एक नहीं। एक था वो अपना मूल पहचान ये तीन थे ये बहुत अच्छे चल रहे हैं पर पीपल आर मेकिंग रिव्यूज ऑन दैट ओके और जहां पे मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ वो लिटरली इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वो कहते हैं ये आप क्या गा रहे हैं वो कवर क्यों नहीं गा रहे इनको क्यों गा रहे हो ये क्या है मतलब वहां पे भी मुझे कन्विंस करना पड़ता है कि आप मुझसे ये मत पूछो मैं क्या मुझे बस जो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे ना वो परमेश्वर मुझे कुछ करवाना चाह रहा है ऐसे लगती है नहीं। नहीं। yes. like <laughs> नहीं। नहीं। so, है फील यस आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट दैट विल मुझे करने दो नई फीडबैक मिलेगा एक टाइप पे मुझे ये भी उन्होंने कह दिया ऐसे गाने करोगे इससे बेटर है आप इंस्टाग्राम पे ना डाला करो क्या कर मुझे पॉज आई है नहीं कि कर के रहा मैं मैं आप ऐसे दीदी तो सेदा तो सॉन्ग्स ना गाया करो ये है ना ऐ तू तो सेदा कर दे फिर नीचे साडा नाम लिंगन दे फिर ऐसे रिकॉर्ड कीता <laughs> है ऑब्वियसली वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन ना हु डू रिकॉर्डिंग्स इन योर म्यूजिक बट दिस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं नहीं आई थिंक मतलब अपने अपना एक अलग नीश बनाना अपनी फील्ड में अलग ही अपनी पहचान बनाना इसके लिए भी करेज करेज जरूर चाहिए तो ਫਾਇਨੀ ਵੀ ਕੈਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਨੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਪਤਾ ਕੇਰੀ ਪਖ ਮਾਰਕ ਚਲਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚਾਲ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਕਨਿੰਗ ਫਿਰ ਮਿਕਪੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੋਨ ਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਤੇ ਨਾ ਹਮ ਤੋਂ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਥੇ ਜਾਨਿਬੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਗਰ ਹਮ ਸਫਰ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਰ ਵਾਂ ਬੜਦਾ ਗਿਆ तो वही है हमें शुरुआत अकेले करनी पड़ती है और लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जाते हैं फिर एक कारवां बन जाता है और एक अच्छी सोच लेके हम आगे चलते हैं तो यकीनन मुझे लगता है ऊपर वाला भी साथ देता है और हमारी उस मेहनत का कभी ना कभी फल तो हमें मिलता ही है और जैसे हमने सरताज साहब की बात की तो उनका एक कोई आपका फेवरेट अगर सॉन्ग आप आपको जो फेवरेट उनका सॉन्ग लगता है वैसे तो आ, आ... I always prefer to listen him क्योंकि उनके बड़े meaningful बहुत meaningful songs होते हैं मतलब एक सुकून देते हैं उनके गाने वो भी इनके भी बजे spiritual नहीं लगते बहुत spiritual uh, आजकल जैसे है ये कि friends circle बड़ा होना चाहिए तभी हमारी importance है हमारा status है तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसपे बोला एक दो महीने आदि यार के करनी रोज रोज नमे देते आरी करनी ਓ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਐ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੇ वे रोज ही जे जाके डेरे ला नहीं इज्जत होड़ो कट जांदी है बिल्कुल बिल्कुल आपने ना इसमें मीनिंगफुल कितना देखिए आजकल हम देखते हैं कि हुकअप कल्चर है ये टिंडर विंडर पे लोग मतलब ये सब चीजें हैं तो गलत सही मैं नहीं कहूंगा वो है लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मॉरल डिक्लाइन होता है इस चीज को लेके आप मतलब आपकी एंजाइटी जो इमोशनल स्ट्रेस जो हम देख रहे हैं यूथ यूथ में आजकल लोनलीनेस कितनी है डिप्रेशन के कितने केसेस हो रहे हैं सर आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ओपन माइक स्पीच की है मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज की आज का यूथ है दे आर मोस्टली डिप्रेस्ड बाय बिल्कुल डिप्रेस्ड रिलेशनशिप इश्यूज लाइक की रिलेशनशिप इश्यूज हैं रिलेशनशिप इश्यूज ऑन ऑन हाइट्स और मैंने ना अगर टॉक एक बहुत अच्छा चैनल है जिससे मैंने

इससे बात कर लो इससे बात कर लो इसको भी बता दो ये दुनिया है तबाशा है और ये तबाशा होगा ये इसने होते ही रहना है इसको कोई बदल नहीं सकता नहीं। हमें लगता है चार जानों से बात करने पे ये हमें फर्क पड़ जाएगा ये जो होना है ये होना ही कोई तो, बदल नहीं सकता सो so, था, था कहते हैं ना था, था जख्म ना, ना करो उन मलम नपो उनकी जख्म दी नुमाइश ना करो उनकी मलम नपो ठीक है ना

कनेक्ट करिए नेचर के साथ कनेक्ट करिए और वो अपने आप के साथ जवाब मिलेंगे जवाब मिलेंगे जवाब भी मिलेगा और आप जब अपने आप के साथ बैठे इसका मतलब तो आप परमेश्वर के साथ ही बैठे हो बिल्कुल बिल्कुल ये आप हमें हमें इस चीज का लगता है पर बैठना शुरू तो कर पर सब में ये तो भगवान है मतलब एवरी गॉड इज एवरीवेयर इफ वी इज एवरीवेयर इफ वी वांट टू सी इट इन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट आप हो गए हर बात पे इसको सिंगल या कोई कविता याद है आपकी बिल्कुल इसमें भी थी नहीं सिंग आप गा के बताइए इसको मुझे ना इस पे इसमें भी वो आई थी आ। ना किदरे जान दिलोड़े ना पुठियां लटकन दी ना किदरे जान दिलोड़े ना पुठियां लटकन दी

कोई जीवन है हुआ इस जीवन का ये यही है यही है यही है रंग रो थोड़े गम थोड़ी, थोड़ी खुशियाँ दिला दिला ला 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 है रंगरो ये जीवन है बहुत बढ़िया मतलब हमारा तो मैं मन कर रहा हूं आपको पूरा दिन सुनते रहे इतनी इतनी, इतनी मधुर आपकी आवाज है तो सो so, मैं ना उस पे आपको बता रही थी प्यार पे जो मुझे सॉरी मैंने ना उस बात को उधर चली गई वो जो मिक्सिंग होइन बट द थिंग इज दिस की बच्चे जो आजकल डिप्रेस्ड हाँ बच्चों की बात कर रहे थे मोदी जी कर रहे थे तो इश्क जो है वो हमें ए, हमें लगता है कि ये मेरा प्यार है ये ठोकर आ गया मैं माय लाइफ इज एंड हार्ट डिप्रेशन में चल जाते कि लाइफ खत्म दे कर देना दे 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 है ये सब होते हैं दे, दे स्टार्टिंग फीलिंग कि लाइफ अब खत्म अब मेरे अब मेरी लाइफ में कुछ सबसे ज्यादा उसके बिना आई एम इनकंप्लीट जी जी तो वहां पे मुझे ये चीज ये चीज लगती है कि ये भी किस, ये भी विचार मैंने सुना है कि पहले हम कहते हैं कि ये प्यार है मेरा ये सब कुछ है लेकिन हम ये बोल जाते हैं हमें यह प्यार एक बार नहीं हुआ हमें बार बार हुआ है। पहले अपनी माँ से भाइयों से, से बहनों से कब से प्यार करते आ रहे एक बार तो नहीं हुआ अब हमें इससे हुआ पर हम कहते हैं कि मुझे मेरा पहला प्यार ये मेरा हुआ जबकि हमें प्यार बहुत बार हो बिल्कुल और हम जो बेसिक चीज वो ये है कि एक प्यार की खातिर हम कितने प्यार छोड़ देते जस्ट थिंक कि उस प्यार के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया पर जो प्यार इतने सारे है जो आपको इतना कर रहे हैं जिससे आपको कितनी बार हो चुका है जो पीछे दस बार जितने भी जाने हम प्यार के निकल के अब प्यार पे पहुंचेंगे अब हम कब करते हैं कि हमें प्यार हुआ आप इस प्यार के लिए उस सारे प्यार को भूल जाते सो आई थिंक नॉट ट्रू लव मुझे लगता है हर किसी की एक्चुअली जर्नी होती है विकास दिव्य कीर्ति सर हैं काफ़ी यूपीएससी की तैयारी में वो बहुत रिन प्रोफेसर हैं तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि एक ब्रेकअप तो ज़रूर करवाओ क्योंकि आपको ज़िंदगी की समझ आती है आप आपको वो समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उस आपका दिल नहीं टूटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तोड़वाना है बट अगर आप किसी भी चीज़ को वो एक ड्रीम हो सकता है या किसी शख्स के साथ तो जब आपको किसी चीज को ऐसा नहीं कि दिल तोड़वाने के लिए आपने जो आजकल का कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है लेकिन शिद्दत के साथ जब कहीं अटैच होते हो आप तो फिर आपका दिल टूटता है तो फिर जो आपके अंदर जो एक उससे निकल के जब बाहर आते हो तो आप जो जो निखर के बाहर आते हो वो फिर टोटल वो वही 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 जरूरी है आई थिंक वही जिसने मरना है स्वर्ग स्वर्ग जाना मरना पड़ेगा उसको ये आपकी बहुत मजेदार लाइन वजह जी जी ने मरना है स्वर्ग जाना है बिकॉज उस तभी तो आप तराशे जाओगे कि हीरा बनना है तो हीरे जितना आपको धार से गुजरना पड़ेगा बहुत बहुत मजेदार विचार और बड़ा अच्छा विचार जी, जी जी तो मैम आपका क्या एक संदेश है जो श्रोता सुन रहे हैं हमारे तो एक मतलब बच्चों को भी खासकर और पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने के लिए मतलब आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे बाय माय साइड मेरा यही सबको संदेश है कि हम अपना काम करें क्योंकि जब आप काबिल हो जाएंगे तो आपको कामयाबी आसानी से मिल जाएगी काबिल हो कामयाबी आसानी से मिल जाएगी डोंट अप इन योर लाइफ छोटी छोटी बातें हम बड़ी खुद बनाते हैं बातें छोटी भी होती हैं अगर अगर ये समय नहीं रहा तो अगर वो समय नहीं रहा ये भी नहीं रहेगा सो ये मत सोचे कि यहाँ पे एंड है जहाँ पे एंड है वहीं से स्टार्टिंग है सो so, जब आप इस बात को मान लेंगे और आप अपने आप को तन तन से भी मन से भी मेरी मन से भी उस पर परमेश्वर के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर देंगे अपने आप को उसके ऊपर कर उस उस पे डिपेंड हो जाएंगे तो वो आपके काम खुद क्यों नहीं बनाएगा कि वो आपका पहला पहला आपका जो पिता है वही है वही आपके

अल्टीमेटली आ ही जाएगी क्योंकि जब आप उसके पीछे भागोगे शायद वो तब नहीं मिलेगी और जब उसने आना होगा अपने टाइम पे वो आ जाएगी तो जस्ट डू योर थिंग सरेंडर टू द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विल हैपन टू यू और वो नानक देव जी ने इसी देख के इशारा ही दिया था कर ना जब बात तीनों चीजें करोगे शाहरुख खान नहीं बनोगे तो उससे नीचे वाले तो, तो, बन बन तो जाओ आप, जो भी आपका नाम क्योंकि हमने किसी वैसे वैसे तो किसी की तरह शाहरुख खान तो बनना ही नहीं है आपको अप, अपने आप वो बनो जो आप बिल्कुल भगवान ने आपको बनाया है एक और चीज जैसे आपकी एक बात के साथ में जनरली डिस्कशन में मेरी बातें होती रहती है दोस्तों के साथ की हम क्या करते हैं कि हर किसी की बात सुनते हैं सुनना ठीक है बट उससे क्या होता है हमारी जो यूनिक पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी क्लाउड हो जाती है तो वो कितने सारे ओपिनियंस होते हैं हमारे दिमाग से आके हमें क्लाउड कर देते तो वो हम तब उनको फिल्टर कर पाएंगे जब हम अपने साथ के कनेक्टेड होंगे तो अपने साथ के साथ कनेक्टेड होइए अपने अंदर जाइए और अपने अंदर की जो यूनिकनेस को बाहर लाइए इसी पे तो तभी सक्सेस मिलेगी तभी यही तो चीज है और सक्सेस पहुंच के मुझे लगता नहीं मिलनी सक्सेस काम में ही सक्सेस है

ये सिंगिंग ये सिंगिंग नहीं कर रहे थे आप मतलब मुझे लगता है आप अपनी रूम की आवाज को अपने श्रोताओं तक तो पहुंचा रहे हैं और ये आपकी जो जर्नी है आपने अपने आप को जो तराशा है वो ऑडियंस के लिए भी देखने के लिए बहुत मिलेगा उनको वो कनेक्ट सब, सब कुछ हो ये सर गॉड इज एवरीथिंग सब गॉड इज एवरीथिंग सब कुछ वही हम ऐसे ही, हाँ ही सोचे बड़े हुए सब कीर्ति में गणित में पढ़े सरेंडर कर दो और उसके बस उसके आगे सरेंडर रखो मेरा पिता तू है मेरा तू मेरा तू मेरा तू तू थैंक यू सो मच मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी आपने दिलचस्प बातें की अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसिस को शेयर किया और हमें अवसर दिया आपकी मधुर आवाज़ को भी सुनने का हमें मौका मिला फर्स्ट हैंड और लेडीज एंड जेंटलमैन ये थे अवनीत कौर मैम जिनकी आवाज़ और उनकी शख्सियत की गहराई को आप मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ज़रिए ज़रूर महसूस कर पाएंगे और इस इनके इनको फॉलो कीजिए और इनकी आ, इनको प्रोत्साहन दीजिए बिकॉज वी नीड टू प्रमोट सच सिंगर्स एज वेल इन द वर्ल्ड ऑफ टू मच नॉइज वी नीड पीपल हु आर स्प्रेडिंग पीस तो इसी तरह हम अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एक अलग चैम्पियन से एक अलग अचीवर से मिलाएंगे आपको जो अपनी लाइफ और अपने व्यक्तित्व से इस दुनिया से थोड़ा सा अंधकार